नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं। बड़वानी सशक्त प्रदेश के लिए युवाओं का सशक्तिकरण आवश्यक, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा। युवाओं के आत्मविश्वास को नव प्रवर्तनशील बनाकर युवा नीति तैयार करना राज्य युवा नीति का उद्देश्य, कलेक्टर श्री वर्मा। भारत की आबादी की औसत आयु 29 वर्ष है, इसलिए भारत देश युवाओं का देश कहलाता है। जिस देश में युवा शक्ति विद्यमान होती है, वह देश उत्तरोत्तर प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर हो। इस हेतु युवाओं को दृष्टि प्रदान करने और उनके सुझावों को मध्य प्रदेश राज्य की युवा नीति में समावेशित कर राज्य युवा नीति तैयार करने के लिए शिवकुंज आश्रम में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं को बताया कि सशक्त प्रदेश के लिए युवाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा युवाओं को सशक्त बनाना और आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर नव प्रवर्तनशील बनने के लिए प्रेरित करना है। सेतु शासन ने युवाओं के माध्यम से युवा नीति तैयार करने के लिए पहल की। जिला स्तरीय कार्यशाला में शिवकुंज के पर्यावरणीय नवाचार के बीच ओपन मंच पर युवाओं के द्वारा कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, SDM घनश्याम धनगर के साथ समूह भागीदारी के रूप में विभिन्न समूहों में। सर, आज मध्य प्रदेश राज्य युवा नीति अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया है, ये शासन की ओर से एक युवा नीति तैयार की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 जनवरी को युवा नीति पर एक पूरा बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उनके निर्देशन में ये युवाओं का एक कार्यशाला हर जिले में आयोजित करने के निर्देश जो मिले हुए थे, उसी निर्देश में हम लोगों ने आज शिवकुंज की एक खूबसूरत पहाड़ी पर खुले में मुक्ताकाश में एक बड़वानी जिले के युवाओं का एक कार्यशाला रखा था। 8 विषयों पर जो हमको उनसे सुझाव लेने थे, हमने सभी युवाओं के अलग अलग ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुप में उन्होंने डिस्कशन किया हुआ और उनके सुझाव एकत्रित किए हुए हैं। ये सुझाव हम शासन को भेजेंगे और शासन की ओर से हर जिलों से जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर युवा नीति बनेगी। मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो कोई नीति बनती है तो उसके लिए जिनके लिए नीति बन रही है उनके सुझाव लिए जाएं, और इसी कड़ी में ये प्रयास आज हुआ है। मैं सभी जो आज प्रतिभागी आए हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।